आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, नर्मदा जिले से हमारे पास में खबर आ रही है। गुजरात के नर्मदा जिले में आज रोज नर्मदा जिले की वीर भगत सिंह पाठशाला में जिला शिक्षण अधिकारी द्वारा लागू की गई पानी पद्धति के मुद्दे पर मीटिंग का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में पाठशाला में पढ़ रहे बच्चों के वाली एवं पाठशाला के प्राध्यापकगण तथा स्कूल मैनेजिंग कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। मीटिंग में पाठशाला के आचार्य श्री ने वालियों को पाली पद्धति के बारे में पूरी जानकारी दी, जिससे वालियों ने इस पद्धति का विरोध जताया और कहा कि अगर यह पद्धति इस पाठशाला में लागू होगी तो हम हमारे बच्चों को पाठशाला से उठाकर अन्य प्राइवेट पाठशाला में पढ़ने के लिए और अगर जरूरत पड़ी तो पाठशाला को तालाबंदी भी करेंगे और मीटिंग में अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा से गौतम व्यास की एक रिपोर्ट। તમે જોતા જશો કે નજીકમાં બધી ઘણી બધી શાળાઓ છે, પણ અમારા એટલા પ્રયત્નો સીધા ઉપલી કચેરી સાથે રહેવાને કારણે, અધિકારી પદાધિકારીઓની સાથે અમે સતત સંપર્કને કારણે કે અમને આ શાળાને આ લાભ મળ્યો છે અને કેવડિયા ભૂમલિયા ભલે નજીક હોય એને લાભ 3-4 કિલોમીટર નું અંતર હોવું જોઈએ। ઉચી પ્રાતિષ્ઠા કે અમારા બાળકો ચોમાસાની અંદર અમે જોયું છે બિલકુલથી ચાલતા આવતા હોસ્પિટલ જયંતિભાઈ કરી છે। મારો છોકરો 4th ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે અને પાલી પદ્ધતિથી લાભ છે। બીજા છોકરાઓને તો અમે સરખી કરાવીને બીજી સ્કૂલમાં દાખલ કરી છે।